अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जान खान के बारे में। क्या जान खान को सीजन 5 में सुमान बे का दुश्मन दिखाया जाएगा? आज हम इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही जलाली के बारे में बात करेंगे जिसकी सीजन 5 में वापसी हो रही है। आखिर ये कैसे बचा होगा और क्या ये सुमान बे का दुश्मन ही होगा? इन सब पर भी आज हम बात करेंगे, लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जान खान की। जान खान को सीजन 5 में दिखाया जाएगा ऐसी तवक्को की जा रही है और जाहिर सी बात है जब दिखाया जाएगा तो दुश्मन ही दिखाया जाएगा। अगर दुश्मन ना भी हुआ तो फिर भी मुखालफत दिखाई जाएगी। आप लोगों ने पहले से नोट किया होगा, जब उमर बे की एंट्री हुई उसको भी उस्मान बे के खिलाफ दिखाया गया। अली बे की एंट्री हुई उसके साथ भी ऐसे किया गया। जितने भी नए करदार शामिल किए जाते हैं, चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, उनको स्टार्ट में उस्मान बे का दुश्मन ही दिखाया जाता है। अली बे भी पहले उस्मान बे का दुश्मन था और उमर बे भी। आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा लें, जितनी भी नई एंट्री होती है वो पहले उस्मान बे के दुश्मन ही होते हैं, बाद में उनकी दोस्ती होती है। खैर, गजान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। गजान खान के बारे में खबर ये आ रही है कि सीजन 5 में उसको दिखाया जाएगा। जाहिर सी बात है जब दिखाया जाएगा तो स्टार्ट में दुश्मन ही दिखाया जाएगा, या फिर किसी वजह से मुखालफत हो जाएगी, फिर बाद में वापस दोस्ती भी हो जाएगी। रही बात जलाली की, जलाली के बारे में बहुत ज्यादा नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आखिर इसके साथ क्या सिनेरियो बनेगा। इसको तो गजान खान के पास भेजा गया था, यानी कि सजा देने के लिए भेजा गया था, तो फिर ये कैसे बचा होगा? क्या इसके साथ सुल्ताना भी बची होगी? तो नाज़रीन, सुल्ताना तो नहीं बची होगी, लेकिन जलाली बच जाएगा और ये वापस भी आएगा। शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने चंद दिन पहले बताया था कि जलाली उस्मान बे का जासूस हो सकता है। सीजन 5 में फ्लैशबैक दिखाया जाए और फिर उसमें वाजे किया जाए कि जलाली का क्या मकसद था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये गजान खान का जासूस हो, यानी गजान खान के लिए काम करता हो। आप लोगों ने नोट किया होगा, सुल्ताना के साथ भी काम किया, इसने आलम शाह के साथ भी काम किया, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि गजान खान के खिलाफ हो। ये हो सकता है कि ये गजान खान के लिए काम करता हो, ऐसा कुछ हो सकता है। जब गजान खान की एंट्री हो ये उसके साथ ही वापस आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे इन सब के बारे में आपको क्या लगता है? आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा।